फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगला इतिहास का प्रैक्टिस सेट हम लोग देखने वाले हैं और आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करवा के भेजूंगा मैं, प्रैक्टिस करवा के ढंग के क्वेश्चन करवाता हूं, क्योंकि मैंने खुद तीनों दरोगा निकाला है, एफकैट सीडीएस सारा एग्जाम क्रैक वो किया हूं मैं। आप मेरे बारे में जाकर के रिजल्ट्स भी देख सकते हो मोटिवेशन के लिए, ताकि आपको भी लगे कि मैं भी कर सकता हूं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा देर आपको नहीं लगना चाहिए। तो ये संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। किसके सहयोग से किया था? चाणक्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य के बेटे थे चाणक्य, ठीक है, याद रखिएगा। विष्णुगुप्त भी नहीं का नाम है, चाणक्य भी नहीं का नाम है। आगे बढ़ते हैं, ये चीज इंग्लिश में भी है लेकिन हम आपके लिए हिंदी ही रखेंगे। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो मौर्य वंश के बारे में जो किताब लिखी गई थी, याद करो, अर्थशास्त्र है, रामायण है, महाभारत है या ऋग्वेद है। तो ये अर्थशास्त्र है, बहुत फेमस किताब है, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स के बारे में दिया गया है। ये मत समझना कि इसमें क्या है, इकोनॉमिक्स के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मौर्य वंश किस शताब्दी में सत्ता में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके जो हिस्ट्री के सिलेबस है ना उससे ये सवाल पूछा गया है। मौर्य वंश किस मतलब किस शताब्दी में आया, यानी कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व या पहली शताब्दी ईसा पूर्व? तो आपको बताना है राइट आंसर क्या है, किस शताब्दी में आया है सत्ता में, चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला, बताइए राइट आंसर क्या है। तो ये किस शताब्दी में आया है? देखो, 361 अशोक का टाइम था, ठीक है, इसके पहले, अगर सीधा आप मोटा मोटी समझो, आप चौथी शताब्दी में ये आंसर इसका राइट आंसर होगा, आपको आगे तो मिलेगा ही। अशोक के शासन काल के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां थी? अशोक का टाइम, उस टाइम मौर्य की राजधानी पूछी गई है, ये ध्यान रखना है आपको, किसके टाइम में पूछा गया ये अपने आप में एक जरूरी सवाल है, ठीक है। पाटलिपुत्र, वाराणसी, उज्जैन या तक्षशिला, अशोक के टाइम में। तो ए बी सी डी आपको आंसर बताना है, क्या है राइट आंसर? पाटलिपुत्र इज द वेरी राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मौर्य एम्पायर, सॉरी इंग्लिश में नहीं, आप लोग सिर्फ हिंदी पढ़ना चाहते हो, मौर्य साम्राज्य ने अपना शासन किस पड़ोसी क्षेत्र तक बढ़ाया? दक्कन, श्रीलंका, गांधार या तिब्बत? सोच के बताइएगा, यह भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप लोग सुनते भी हो कि गांधार तक इसका शासन काल चला गया था। तो सी इज द राइट आंसर, सभी लोग आराम से इस क्वेश्चन का में राइट आंसर करोगे। और देखो, रात में आपका 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक डेडिकेट कर दो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए डेली। मौर्य साम्राज्य का दौरा करने वाला प्रसिद्ध यूनानी राजदूत कौन था? देखो, मौर्य साम्राज्य कहाँ किसके टाइम से शुरू होता है आप समझ लो, उसमें यूनानी राजदूत, यूनान से कौन आया था? सिकंदर, सेल्यूकस निकेटर, डेरियस या हेरोडोटस? देखो, इतिहास का पिता है हेरोडोटस, डेरियस III या सेल्यूकस निकेटर कौन आया था? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो सेल्यूकस निकेटर ही है, सिकंदर तो चंद्रगुप्त के पहले ही आके मर भी गया बेचारा। आगे, बौद्ध धर्म में के समर्थन और धर्म के प्रचार के लिए जाना जाने वाला मौर्य शासक था? बौद्ध धर्म का किसने समर्थन और प्रचार किया था? ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, अशोक और हर्ष, कौन था? राइट आंसर बताइए, ये है अशोक। नेक्स्ट, मौर्य रानी का क्या नाम है जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? चंद्रगुप्त मौर्य, दुर्धरा, नंदिनी या रानी त्रिशला? अगर आपने बौद्ध की उत्पत्ति पढ़ी होगी, मतलब अगर हम लोग बौद्ध धर्म जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ोगे, तो आपको ये नाम डी वाला जो है जाना पहचाना लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा, त्रिशला। नेक्स्ट है, अशोक स्तंभ और शिलालेख मुख्यतः जो ऐतिहासिक शिलालेख है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में, पाली में या प्राकृत में या यूनानी में? चार ऑप्शन है, संस्कृत में लिखे गए हैं, पाली में, प्राकृत में या यूनानी में अशोक के शिलालेख, तो प्राकृत भाषा है, ठीक है, ये मूलतः जो मिला है। किस युद्ध के कारण मौर्य साम्राज्य का दक्कन क्षेत्र में विस्तार हुआ? दक्कन का है गुजरात में, याद रखिए, कलिंग, पलासी, हाइडेस्पिस या तराइन? एक्चुअली मौर्यों की जो लड़ाई हुई है वो आप याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाइडेस्पिस का युद्ध भी जरूरी है और पलासी या कलिंग युद्ध, ये दोनों जरूरी है। तो हाइडेस्पिस के युद्ध के बारे में आप लोग क्या जानते हो, और कलिंग, यही दो कंफ्यूजन हो रहा है मुझे मालूम है। देखो, तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में जो लड़ाई हुई थी ना, वो हाइडेस्पिस की युद्ध हुई थी। तो वो पोरस, अलेक्जेंडर, सिकंदर जब आया था उस समय की कहानी है ये, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पोरस ने ऐसा भाला मारा कि इधर से अपने, वो दुनिया जीतने निकला था, पहली बात वो दुनिया जीत भी नहीं पाया था,
तो ये वेस्टर्न जो मतलब मैकाले का एजुकेशन व्यवस्था है उसमें जो भी आपको बताएगा वो ये बताएगा कि आप कितना मार्क खाए हो। सिकंदर आया था, भारत भी पूरा वो क्रॉस भी नहीं कर पाया था, और उसको लोग कहते हैं विश्व विजेता था। तो वो विश्व विजेता नहीं था, वो विश्व भगोड़ा था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं खुद इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर आर्कियोलॉजी से मैंने BHU से पढ़ाई की है, ये बात आपको समझा दूंगा किसी दिन अलग वीडियो में। ये विश्व विजेता नहीं था, ये विश्व भगोड़ा था। सिकंदर क्या था? विश्व भगोड़ा, ये याद रखिएगा, विश्व विजेता नहीं विश्व भगोड़ा था। विश्व भगोड़ा क्यों? क्योंकि ये मैकाले की एजुकेशन सिस्टम हमारे यहां में उल्टा सीधा चीज पढ़ा रही है हमें। वो बता रही है कि वाया सिकंदर मार्क पोरस उसको इतना मार मारा था, उसकी इतनी धुलाई किया था, उसके इतने सैनिकों का लॉस कर दिया था कि जाते जाते उसको राजा फिर से बना के गया। तो ये सब इतिहास पढ़ोगे अब डिटेल में तो आपको पता चलेगा, ठीक है। हाइडेस्पीस का युद्ध, व्हाट सिंबल इज प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड विद अशोका रीन, एक सेकंड इंग्लिश में नहीं, कौन सा प्रतीक मुख्य रूप से अशोक के शासन काल से जुड़ा हुआ है और उसके शिलालेखों पे पाया जाता है? शेर, हाथी, सांड या चीता? देखो अगर आप देखोगे अशोक के स्तंभ, हमारा भारतीय नेशनल प्रतीक यानी नेशनल सिंबॉल क्या है उसे आपको जानकारी मिल जाएगा। तो ये भारत का नेशनल जो सिंबॉल है वो है शेर, ठीक है ना, सिंह, लायन यार, वही है। तो वो मैं इसको ओरिजिनली जा करके देखा हूँ, सारनाथ के म्यूजियम में रखा हुआ है, चमकता है आज भी, वैसा भारत था अपना कि वैसा चीज बना दिया है भी चमक रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में जानकारी का प्राथमिक स्रोत क्या है? अर्थशास्त्र, अशोक के शिलालेख, महाभारत या जातक कथाएं? जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जीवन है उसका प्राइमरी सोर्स है अर्थशास्त्र, उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देखो अशोक के शिलालेख से अशोक के काम के बारे में जानकारी मिलती है, उसके थोड़े बड़े रिलेटिव वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत जातक कथा, इसमें अर्थशास्त्र जो है सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट ऐसा चीज है, इसे जानकारी मिलता है। मौर्य वंश को अक्सर किसके एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? दक्षिण भारत, भारतीय उपमहाद्वीप, उत्तरी भारत या मध्य एशिया? तो मौर्य वंश को अक्सर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को, देखो मौर्य वंश के टाइम में इधर ले लो आप सीधा नॉर्थ ईस्ट से लेकर के वेस्ट, दक्कन वगैरह सब, पूरा साउथ इंडिया सब एक करके ईरान तक हमारा जगह था। ईरान भी उस समय भारत में था, सोचो तक्षशिला वगैरह सब उधरे ही उधर ही था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, माना जाता है कि मौर्य शासक ने दक्कन क्षेत्र पे किसने विजय किया था? दक्कन क्षेत्र की विजय, दक्कन गुजरात वाला इलाका है, कौन सा दक्कन को जीता था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? बताओ इसका राइट आंसर, सोच के बताओ। बताइए, तो ये बिंदुसार था, अशोक का पिता, बिंबिसार, बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना। अशोक के शिलालेखों में धम्म की अवधारणा मुख्य रूप से बढ़ावा देती है, हिंदू धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म। अशोक के शिलालेखों में धम्म का क्या मतलब होता है? तो बौद्ध धर्म के लिए इस्तेमाल हुआ है। आगे बढ़ते, मौर्य साम्राज्य की राजधानी में सहायक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और सलाहकार कौन थे? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त? ये कौन नहीं बता पाएगा इसको। प्रसिद्ध मौर्यकालीन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं कहाँ पाई गई हैं? तो अजंता में पाई, अजंता, एलोरा, बराबर एवं, ये अशोक वाली बात बतानी है आपको, ठीक है, याद रखिएगा, अजंता, एलोरा, बराबर हिल्स, एलिफेंटा। प्रसिद्ध मौर्यकालीन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं यहाँ पाई जाती हैं, अजंता, एलोरा, बराबर, बराबर हिल्स, नागार्जुनी हिल्स। ये जाओगे ना गया में है, लेकिन बिहार सरकार को कोई मतलब है नहीं, कोई भी चीज हो उसको सत्यानाश कर देना है, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं अनपढ़ गंवार लोग, जब सत्ता में आएंगे तो यही होगा। प्राचीन भारत में मौर्य वंश का उत्तराधिकारी कौन सा राजवंश था? मौर्य वंश का उत्तराधिकारी गुप्त, चोल, कुषाण या पल्लव? मौर्य वंश का उत्तराधिकारी कौन सा राजवंश था बताइए? मौर्य के बाद कौन आया? मौर्यों के बाद अगर मेन रूप से देखा जाए तो गुप्त ही आया, ये सब अलग अलग जगह पे छोटे छोटे राजा थे। अशोक ने अपने शिलालेख को स्वयं का वर्णन किसके उपाधि से किया? चक्रवर्ती, राजपूत, महाराजा या पंडित? तो अशोक ने चक्रवर्ती सम्राट का उपाधि लिया था, ये भी आपको, बहुत बच्चों का सही हो रहा है मैं देख रहा हूँ। मौर्य का अंतिम, मौर्य का मतलब मौर्य वंश का सॉरी अंतिम शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या वृहद्रथ? मौर्य वंश का अंतिम शासक, ये अंतिम शासक वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताइए। तो इसका आंसर आपको करना है ABCD में से, बताना है। 21वां क्वेश्चन, मौर्य सम्राट किसके शासन के तहत अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा तक पहुंचा? तो सबसे ज्यादा फैलाव मतलब कौन सा राजा था जिसके टाइम में मौर्य शासक जो है, मौर्य की शासन जो है सबसे दूरी तक फैली? तो ये बिंदुसार, अशोक, अशोक के उत्तराधिकारी, तो ये कौन था?
अशोक था, ठीक है। बाकी हम देखो 9वां 10वां का हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब पढ़ा चुके हैं, आप जाइए प्लेलिस्ट में उसको देखिए। अगला, किस यूनानी शासक ने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया था लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हरा दिया। अच्छा, ये भी आपको बड़ी कम जगह मिलता है वर्णन, चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी मुलाकात हुई इसका भी बड़ी कम वर्णन है। तो उस समय कौन था एक्चुअली, अगर देखें इसमें तो क्या डेरियस था, सेल्यूकस निकेटर था या सिकंदर महान था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था, ये क्वेश्चन बड़ा जरूरी है। दो ऑप्शन आपको आसान भी कर देते हैं, सेल्यूकस निकेटर या सिकंदर। आंसर भी कर दिए हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, जल्दी से बता दो। मौर्य वंश अपने योगदान के लिए जाना जाता है, कला एवं वास्तुकला, गणित, खगोल विज्ञान, साहित्य दर्शन, चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा। देखो मौर्य वंश में कला एवं वास्तुकला, वास्तुकला क्या होता है, मूर्ति वगैरह जो बनाते हैं, जो पहले खूब ज्यादा बनता था, ये सब इसके लिए जाना जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कला एवं वास्तुकला। मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से किस आधुनिक देश में स्थित था? मौर्य साम्राज्य भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इसका तो आंसर जरूर करके बताना है आपको, जल्दी से कमेंट करो। अच्छा, जो बच्चों को लग रहा है कि हम फास्ट बोल रहे हैं वो वीडियो रोक देंगे और तब आंसर करेंगे उसका। किस मौर्य शासक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिम्बिसार? तो यही तो है, इसका हृदय परिवर्तन हो गया इसके बाद, कौन है वो, अशोक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलो बच्चों ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।